IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं श्रद्धा। देश के विभिन्न राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना अब बेकाबू होने लगा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि पिछले कोरोना वायरस के मुताबिक नया वाला वायरस ज्यादा खतरनाक है और बिहार में भी तेजी से फैल रहा है। बिहार में बेकाबू होते कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए CM नीतीश कुमार आज सभी जिलों के DM और SP के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के मुताबिक सोमवार को राज्य में कोरोना के 935 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक राजधानी पटना में 432 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 5 महीनों में ये सबसे ज्यादा संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा है। सिवान जिले में भी 9 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पटना एम्स में ICU 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। PMCH में भी 100 बेड उपलब्ध है। NMCH में भी 100 से अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। बेड में कमी नहीं है, लेकिन लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पत्रकारों को बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन जिलावार आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिया जा रहा है। पिछले बार की तुलना इस बार वायरस काफी तेजी से लोगों में फैल रहा है। लोगों में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी जिलों के DM, SP और SSP के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की वापसी को लेकर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहें IVTV।